उत्तराखंड के देहरादून से धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला सामने आया है। यहां पर दुकान से पोस्टर फाड़ने व दूसरे समुदाय के लोगों पर टिप्पणी करने के मामले में पटेल नगर के कोतवाली पुलिस ने हिंदू संगठन की नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो है जिसमें दिखने वाली महिला का नाम राधा धुनी है। राधा धुनी की अपनी कुछ साथियों के साथ ISVT हरिद्वार रोड पर स्थित अमन जनरल स्टोर के सामने जमकर हंगामा किया। दरअसल इस स्टोर को दूसरे संप्रदाय के व्यक्तियों की ओर से संचालित किए जाने तथा दुकान के बाहर हिंदू धर्म के नाम का बोर्ड लगाकर दुकान में लगे हिंदू देवताओं के चित्रों पर आपत्ति जताते हुए दूसरे समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। राधा धुनी ने लोगों के साथ मिलकर दुकान के बोर्ड तथा उसमें लगे धार्मिक चित्रों को जबरदस्ती हटा दिया है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया। जांच में पता चला कि दुकान के स्वामी राकेश बोराई नाम के व्यक्ति हैं, जिन्होंने दुकान को गिरीश निवासी रायपुर को किराए पर दी गई थी। राकेश बोराई ने दुकान को आगे शहनबाज निवासी मोहल्ला खाता खेड़ी सहारनपुर उत्तर प्रदेश को किराए पर दे दिया था। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे पब्लिकेशन न्यूज़ से।